साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे बड़ा सवाल वही है, 13 गिरफ्तारियां, 60 लोगों से पूछताछ, लेकिन मास्टरमाइंड कौन? देखिए, सवाल पुलिस भी ढूंढ रही है, ईओयू की टीम भी ढूंढ रही है, और 13 के बाद 14वां नंबर भी आ गया, संजीव मुखिया का जो नाम सामने आया। संजीव मुखिया, जिसे पुलिस ढूंढ रही है, फिलहाल फरार बताया जा रहा, सॉल्वर गैंग का पुराना सदस्य बताया जा रहा, कई मामलों में उसका नाम भी था। और तो और, संजीव मुखिया का एक बेटा है डॉक्टर शिव, वो इस वक्त बेऊर जेल में बंद है और शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उसे आरोपी बनाया गया, खुद भी वो डॉक्टर है। और संजीव मुखिया नालंदा का नगर नौसा का रहने वाला बताया जा रहा है, और उसका नाम भी सामने आया। एक और शख्स जो है, जो बताया जा रहा, अंशुल जो जहानाबाद का रहने वाला, उसका भी नाम सामने आया, लेकिन फिलहाल वो महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र के पुणे में। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो है रवि अत्री का सामने आ रहा है, पुराना शख्स ऐसा रवि अत्री, जो फिलहाल मेरठ जेल में बंद है, सॉल्वर गैंग से बहुत पहले से जुड़ा था, और ग्रेटर नोएडा के, जी हाँ, ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला बताया जा रहा है वो, और यहां से पढ़ाई करने के लिए वो कोटा गया था 2007 में, लेकिन वहां ये सॉल्वर गैंग के सदस्यों के साथ जुड़ गया, संपर्क में आया, उसके बाद ये पेपर सेट करने के चक्कर में लोगों के साथ, इस गैंग के साथ जुड़कर काम करता रहा। हालांकि इसके पढ़ाई पूरी होने से पहले एक मामले में इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो सबने देखा, और अब ऐसे में वो छात्र सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है कि हमारे भविष्य का क्या। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, और अब आपको बताते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में मनाया जाता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर में योग दिवस मनाया है। अलग अलग जगह से आई कुछ तस्वीरें इस एक मिनट की रिपोर्ट में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां से पीएम ने देश और दुनिया के हर कोने में योग करने वाले लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने 10 साल की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर ली है। योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है, योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योग अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान पीएम ने कई योग मुद्राएं की। हालांकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल झील पर योग अभ्यास करने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से SKICC हॉल में ही उन्होंने योग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।